मैट्रिक्स 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 होता क्या है, इसकी खोज किसने की थी, इसका यूज हम मैथमेटिक्स में किसने किसने करते हैं, ये नहीं कि हमने मैट्रिक्स लिया और क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दिया। तो मैट्रिक्स जो है एक ब्रिटिश के गणितज्ञ थे जिनका नाम था आर्थर के, उन्होंने इसे खोज किया था, समझ में आया। इसके बाद उन्होंने इसका यूज किसने किसने किया, देखो साइंस स्टैटिस्टिक्स में किया, उसके बाद इकोनॉमिक्स में इसका यूज होता है, इसके बाद इसका एक बहुत से टेक्नोलॉजी जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में, तो साइंस स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स और आपका इंजीनियरिंग में फील्ड में इसका यूज होता है मैट्रिक्स का। तो आपको कोई पूछे कि मैट्रिक्स क्या होता है कि कहाँ इसका यूज होता है, तो आपको याद होना चाहिए, तो मैट्रिक्स का यूज होता है। नंबर एक, नंबर दो, अब हम ये पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स को ऑलवेज यानी सदैव हमेशा याद आता है कि इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स को ए बी सी कैपिटल लेटर से आपको यूज करना है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू, इस तरह से। नंबर नंबर दो, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम लोग किसने यूज करना, मतलब उसको सिक्योर करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे किसने, स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर मतलब ये मैट्रिक्स को हम लोग जो है स्क्वायर ब्रैकेट में ही उसको सिक्योर करेंगे, व्यवस्थित करेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, कैपिटल लेटर्स। तो ये कुछ जरूरी चीज होता है जो प्रारंभिक विज्ञान होता है उसका, उसको आप लोग सीख लेंगे। तो मैट्रिक्स क्या होता है, इसको आर्थर के एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने इसका यूज किया था, नंबर एक। नंबर दो, इसका यूज किसमें होता है, साइंस स्टैटिस्टिक्स हो गया, आपका इकोनॉमिक्स में हो गया, आपका टेक्नोलॉजी वगैरह जो होता है इंजीनियरिंग में फील्ड में उसमें इसका यूज होता है। और तीसरी चीज मैंने आपको ये बताया कि इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही यूज करना है, याद रखिए। तो इधर चीज आपको सीखे, आप देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको कैसे यूज करते हैं, कि डेफिनेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ। मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन होता है ना, डेफिनेशन इसका बताता हूँ, डेफिनेशन क्या होता है इसका, कुछ एमएनस नंबर, एमएनस जो नंबर्स होते हैं इसके, एमएनस नंबर, एमएनस नंबर मींस इसमें एम क्या है, एम क्या है ये हमको बताना, एमएनस नंबर ये। तो एम जो होता है आपका, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा किसको, रोज, और एन आपको रिप्रेजेंट करेगा किसको, कॉलम। चीज को बहुत ध्यान रखना आप लोगों को। तो ये जो एमएनस नंबर है, इस एमएनस नंबर को हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करते हैं। तो एम हो गया आपका रोज और एम हो गया आपका कॉलम्स। अच्छा, तो नंबर्स जो होते हैं, एमएनस जो नंबर होंगे, ये एमएनस नंबर क्या हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर। तो ये दोनों नंबर इसमें यूज हो सकते हैं, ये नहीं कि हम सिर्फ रियल नंबर को ही पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स को छोड़ रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन ये होगा कि एमएन से जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को, एमएन का मतलब मैंने बताया तो एम होता है आपका रोज, एन होता है आपका कॉलम्स। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, उस ब्रैकेट में हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, व्यवस्थित करते हैं रोज और कॉलम। तो एमएनस ऑर्डर भी आप कर सकते हैं इसको, तो जब उसको हम लोग व्यवस्थित कर लेंगे, उसका अरेंजमेंट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ऐसे एम इनटू एम ऑर्डर। एम मतलब आपका मेंस हो गया क्या, रोज, और एम मतलब हो गया आपका कॉलम्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अब हमने मैट्रिक्स पढ़ा, मैट्रिक्स का यूज पढ़ा, यूज पढ़ने के बाद हमने उसका डेफिनेशन पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ने के बाद अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला जो होता है आपका रोज मैट्रिक्स,
सब सब चीजें आप बुक खोलिए, उसमें दिया हुआ रोज मैट्रिक्स, जैसे आपको देखो पहला वाला मैं बता रहा हूँ रोज मैट्रिक्स, रोज मैट्रिक्स ये आपका हो गया रोज मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, रोज मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर है, इसको लिखना रोज मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं, देखिए मैं लिखूंगा ऐसे 1 2 3। मैंने पहले कहा था कि एमएन ऑर्डर में ही कोई भी मैट्रिक्स को आपको बताना पड़ेगा, जब तक आप इसका ऑर्डर नहीं सीख पाओगे तो मैट्रिक्स नहीं बना सकते। तो 1 × 3 ए 1 किसको कर रहा, एम को, 3 किसको कर रहा, एम को। तो एम मीन्स होता रोज, ये देखिए रोज 1, 3 का मतलब होता कॉलम्स, मतलब कॉलम्स देखिए C1 C2 C3। तो 1 × 3 तो ये आपका होता रोज मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वही चीजें देखिए 2 3 5। तो इसको हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, वर्टिकल। तो इसी को बोलते हैं कॉलम। तो इसका ऑर्डर हमको लिखना, आपको कैसे लिखेंगे बताइए, ये क्या लिखेंगे 3 × 1। हमेशा आपको क्या लिखना है, रोज से लिखना, रोज इंटू कॉलम्स। तो रोज कितना हो जाएगा बताइए 1 2 3 कॉलम 1। यदि आप ऐसा भी कर सकते हैं, यदि R1 ये आपका हो जाएगा R2, ये आपका हो जाएगा R3 और ये आपका हो जाएगा C। तो ऐसे ऑर्डर को पहचानना है, जब तक हम लोग ऑर्डर नहीं सीख पाएंगे मैट्रिक्स नहीं समझेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए पहला नंबर आपका डायगोनल मैट्रिक्स, फोर्थ नंबर आपका जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल, फाइव नंबर आपका जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। सबसे पहला और एक चीज छोड़ते हैं, जीरो मैट्रिक्स। जीरो, तो जीरो मैट्रिक्स मींस वो हो जाएगा आपका क्या, उत्तर जीरो, ऐसे दे सकते हैं चाहे किसी भी ऑर्डर में, सब उसका एलिमेंट्स आपका जीरो में। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या चीजें देखिए, ये आप बुक पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ उसमें दिखाई देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। आप इस पर से लिखिए A B C D E F G H T, ये तो आप डायग्राम मैट्रिक्स और प्रिंसिपल डायग्राम्स में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, और मैं कह सकता हूँ कि प्रिंसिपल डायग्राम्स और स्केलर ये जो दो चीज होता है उनको देखिए बता रहा हूँ, फोर्थ और फिफ्थ को बड़े ध्यान से देखना। ये मैंने लिखा 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2। मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ एजे स्केलर मैट्रिक्स, एजे डायगोनल मैट्रिक्स और एजे प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। तो आप खुद सोचिए कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये एक स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं, या फिर ये एक विकर्ण मैट्रिक्स, यानी हिंदी में हम बोल सकते हैं कि ये विकर्ण मामले में डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं, और हम ये भी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं। तो आपका जवाब क्या आएगा, आपको तो पढ़िए और मेरे को बताइए। इसमें देखिए ये जो है ऑर्डर आपका, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स दोनों को देखिए आप इक्वल कीजिए, रोज और कॉलम्स जो है इक्वल कीजिए, यानी आप रोज के लिए 1 2 3 और कॉलम में भी आ जाइए 7 7 2 7, यानी इसका ऑर्डर हमको लिख दिए 3 × 3। तो जो मैट्रिक्स 3 × 3 का होगा 2 × 2 का होगा उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी आप समझ लीजिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हो गया, लेकिन उस स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है ये देखिए, इसको क्या कहेंगे, इसको डायगोनल हम लोग कहते हैं। तो डायगोनल जो नंबर उसका एलिमेंट्स को इक्वल इक्वल नंबर होंगे तब आप समझ जाइए कि ये, और अदर नंबर से क्या होना चाहिए जीरो, तो समझ जाइए स्केलर। इसी तरह से मैं यदि आपको यहां पर माइनस टू दे ईच ए स्केलर मैट्रिक्स, नो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। तो अब खुद ढूंढिए बुक से कि कौन सा मैट्रिक्स हो, फिर मैं जब कब कब क्लास लेने आऊंगा तो आप मुझे बताइए।
किस हिसाब से अब हम लोग इसका एक्सरसाइज में जाएंगे, तो एक्सरसाइज में जाएंगे तो हमको एडिशन मैट्रिक्स मिलेगा, सबट्रैक्ट मैट्रिक्स देखिए मिलेगा, और क्या मिलेगा, मल्टीपल मल्टीपल मैट्रिक्स हमको मिलेगा। ये तीन चीजें मैट्रिक्स हमको यूज करना है एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सम करना, दो मैट्रिक्स को हम लोग को सम करना या एड करना, तो उसका क्या डेफिनेशन होता है, क्या होता है, देखो आपको बता दो। इफ टू मैट्रिक्स, इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी, इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, then it will be A plus B, ये हम कह सकते हैं। बहुत आसान है सवाल। If two matrix, हमको दो matrix को given किया होता है, if two matrix A and B same order होना चाहिए। Subtraction आप कीजिए चाहे addition कीजिए, तो उसमें matrix जो आपको given किया होता है दोनों का same order होना चाहिए। यदि same order है तभी वो आपका subtract या addition हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखिएगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। इसी तरह से इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी सेम ऑर्डर देन इट विल बी ए माइनस बी, उनका सेम ऑर्डर होना चाहिए। एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, देखिए एच कर दो 2 3 0 3 1 -2 and B is equal to 0 1 2 3 0 1। ये देखिए दोनों A एंड B दो मैट्रिक्स मैंने आपको लिखा, अब इनका सेम ऑर्डर है कि नहीं हमको ये पता करना। इसका ऑर्डर आप लिखिए, इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ऑर्डर लिखने के लिए पहले आपको रोज को पढ़ना पड़ेगा, रोज पंक्ति जिसको कहते हैं लोग हिंदी में, तो ये R1, ये R2, अब कॉलम कितना होगी, ये 1 2 3, तो 2 3 ऑर्डर का है आपका मैट्रिक्स से। इसी तरह से आप मैट्रिक बी में आप आपको बना लीजिए, ये देखिए 1 R1 R2 और कॉलम के लीजिए कितना, तो दोनों देखिए ए और बी सेम ऑर्डर का होगा, तो आप अब इसको एडिशन कर सकते हो, सबट्रैक्ट भी कर सकते हो। यदि ऐसा मान लीजिए इसका ऑर्डर यदि ऐसा है, ये ऐसे हो, अब आप खुद देख लीजिए ये 2 इंटू 3 ऑर्डर में है। अब मैट्रिक्स ए में हम चले जाते हैं, देखिए कितने ऑर्डर का है, वो जो आपका 2 है और भी आपका 2 है, तो ये हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी नहीं हो सकता, नेवर कभी नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सबट्रैक्शन और एडिशन के लिए दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसलिए यहां पर मान लीजिए 3 है, ये 4 है, ये हो जाएगा 2 इंटू 3। अब हम इसको एडिशन या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। मैट्रिक्स ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 3 0 2 3 0 3 1 -2 3 1 -2, ठीक है, प्लस बी को ले लेते हैं, देखिए 0 1 3, तो 0 1 3, फिर आ जाते हैं 3 0 4, तो 3 0 4, तो इजिकल टू करके इसको एक मैट्रिक्स बनाते हैं। देखिए कैसे करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना आपके पास, 2। सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना, 0। देन मैं ये बोलना चाहता हूं आपको कि आर वन का एलिमेंट्स को आर टू के एलिमेंट से प्लस करते जाइए, मतलब सेकंड का आर वन से, फर्स्ट का आर वन को सेकंड के आर वन से आप प्लस कीजिए, फिर फर्स्ट का सेकंड रो को इसी तरह से सेकेंड का सेकेंड रो में करते हैं, जैसे 2 प्लस 0 3 प्लस 1 0 प्लस 3, इसी तरह से
ऐसे ही आपको करते जाना है। कैसे? 3 + 3 1 + 0 -2 + 4 यहां से आप कर लीजिए आराम से डाल जाएगा। जब ऐसा ऐसा नहीं कि इसको ले लिए फिर आप इसको ले रहे हो, इसको ले के फिर इसको ले रहे हो, ऐसा नहीं। यदि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं तो सेकेंड मैट्रिक्स में भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को लेना, फिर फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट से लेते हैं तो सेकेंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट से उसको प्लस या माइनस आपको करना। तो ये जैसे सब हमने एडिशन पढ़ा इसी तरह से इसको सबट्रैक्ट करना, यहाँ माइनस होगा तो आप माइनस कर दीजिए। तो ये आपको इसलिए मैं फिर से बता रहा हूं कि एडिशन और सबट्रैक्ट पढ़ने के लिए आपको ऑर्डर्स पहचानना जरूरी है। और ऑर्डर्स कैसे पहचानते हैं? ऑर्डर हम लोग लिखते हैं m × n। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को, कोई ऐसा लिख देता a i j ऐसा लिखता, तो i मीन्स रोज, j मीन्स कॉलम, a उसका कोई एलिमेंट। तो ये चीज आपको सीखना जरूरी है आपको। स्टूडेंट्स अब देखिए, अब क्या आपके पास दो मैट्रिक्स है, मैंने आपको एडिशन करना और सब्ट्रैक्ट करना सिखा दिया था, ठीक है। अब हम लोग का बस अपना था मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के क्या रूल्स होते हैं, ये कैसे बनेंगे ये आपको बता रहा हूँ। अब आपको यही मैंने पहले भी कहा था, ऑर्डर्स फर्स्ट का ऑर्डर से लेके आप खुद देख लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, बड़े आराम से सीखिए। इसका ऑर्डर आप मेरे को बताइए, R1, R2, R3, R4, R5 तो आप और इसका कॉलम होंगे कितना, देखिए 1, 2, 3 तो 4 × 3 ऑर्डर का। इसमें आ जाते हैं हम लोग, तो इसमें क्या देखते हैं, देखिए इसका ऑर्डर को भी नहीं, कितने रोज है आप खुद देख लीजिए, 1, 2, 3 तो पहले रोज को ही लिखना है और कॉलम से ले लीजिए कितना है 1, 2, 3 तो ये 3 × 3 यानी हम ये कर सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जितने पंक्ति उतने ही स्तंभ होगा उसको बोलते हैं वर्ग का आव्यूह, इसलिए मैं बता रहा हूं यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप ये दो मैट्रिक्स को यदि हम देख रहे हैं तो आप खुद बताइए इनका क्रम उनका क्रम अलग अलग, तो फिर भाई मल्टीप्लाई कैसे होगा? हाँ ये एडिशन नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, लेकिन मल्टीप्लाई हो सकता है। इसलिए हो सकता मल्टीप्लाई का एक रूल होता है, यस आप समझ लीजिए कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स में फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स है बताइए, फर्स्ट रो में यस 1, 2, 3 आप सेकंड मैट्रिक्स में सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम को देखना है, इसका फर्स्ट रोज उसका फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रोज में लिखिए 1, 2, 3 थ्री एलिमेंट्स है, तो सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में ही थ्री एलिमेंट्स होना चाहिए फर्स्ट, आपने बता दिया। तो इसके जितने एलिमेंट्स रोज है उसके इतने ही एलिमेंट्स कॉलम में होना चाहिए, तभी आप ये मल्टीप्लाई नहीं तो ऐसा नहीं है। मैं इसको बंद कर दिया आप बताइए, या फिर मेरे को ऐसे कर दिया ये बंद कर दिया, आप नहीं हो सकता क्योंकि उसमें थ्री एलिमेंट्स है और इसमें कितने हैं 2 नहीं। तो मल्टीप्लाई के लिए आपको क्या करना है कि फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स है, सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में उतने ही एलिमेंट्स होना चाहिए, फिर इसको करते कर सकते। अच्छा दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना ऑर्डर आएगा ये बताता हूँ, इसका कॉलम और इसका यानी इसका रोज और इसका कॉलम 2 × 3 का बनेगा, 2 × 3 का बनेगा। तो मैं आपको इनटू वाला देखिए रूल्स कुछ बताया और जब इसको इनटू करेंगे तो ये किस ऑर्डर में आएगा ये सिखाया, तो कैसे करना मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए इसका फर्स्ट लेंगे इसका फर्स्ट दो का कॉलम से बता रहे हैं 2 × 2 मैं एक बना के बता देता हूँ बाकी आप बनाइएगा 2 × 2
ऐसे करते रहो, इसके रो और इसके कलर्स, यानी टू इंटू टू वन इंटू वन थ्री इंटू टू, इसी तरह से फिर इसी को फिर आप उसका सेकेंड कॉलम में करते जाना, जब तक पूरे कॉलम खत्म नहीं होते तब आपको करते रहो। ऐसा कीजिएगा, आप इसको बनाइए घर में, किताब निकालिए, एग्जाम पर देखिए, यदि आपको दिक्कत होगा मैं इस वीडियो को फिर कल के लिए आपके लिए बनाऊंगा, घर में देखो, सुरक्षित रहिए।